नीमाटोड्स, नीमाटोड्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पैरासाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूक्यू में, एससीक्यूज में, एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आते हैं हमेशा. अच्छा, ये जो नीमाटोड्स होते हैं, इनमें दे आर बेसिकली दे आर प्रॉपर वर्म्स, ठीक है, ये बिल्कुल वर्म्स की तरह होते हैं. दे हैव अ प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एन एनस, और इनमें जो मेल होता है यूजली हैव अ क्वाइल्ड टेल. अच्छा, अब इसकी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, ये प्रॉफ में अक्सर आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द नीमाटोड्स, और बड़ा अफसोस की बात है स्टूडेंट्स को वहाँ लिखने नहीं आ रहे होते. तो कैटेगराइज में सबसे पहले आपको नाम तो आने चाहिए. तो नीमाटोड्स बेसिकली आर क्लासिफाइड इन टू टू ग्रुप्स. दे आर दी वी हैव दी इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स एंड देन वी हैव दी टिश्यू नीमाटोड्स. ठीक है जी, इनके नाम सब आने चाहिए आपको. इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स के अंदर जो बहुत हमारे पॉपुलर सारे नीमाटोड्स हैं, पॉपुलर मींस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर दी हुकवर्म्स. ठीक है, हुकवर्म्स होते हैं, देयर नेम्स आर एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल एंड निकेटर अमेरिकानस. दे कॉजेज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. फिर वी हैव दी एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडस, जो कि लार्जेस्ट नीमाटोड्स. ठीक है, हुकवर्म्स हो गए, एस्कैरिस हो गए, फिर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ट्रीचुरा. ठीक है, फिर ये ट्रीचुरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फिर है जी एंट्रोबियस वर्मिकुलरस, इसका पूरा नाम होता है. ठीक है, अच्छा, अब ये हुकवर्म्स, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल एंड निकेटर अमेरिकानस, एस्कैरिस लम्ब्रिकाइडस, ट्रीचुरस ट्रीचुरा, एंट्रोबियस, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस में रिटन एग्जाम में आते हैं, एमसीक्यूज में तो आते आते हैं, साथ ही इनके एससीक्यूज भी आते हैं. अच्छा, अब इनके अलावा दो और हैं, दे आर दी ट्रिचिनेला एंड स्ट्रोंगिलॉइडस. ठीक है, तो ये जो ट्रिचिनेला और स्ट्रोंगिलॉइडस है ना, ये यूजली एमसीक्यूज में आते हैं, ये बहुत कम कभी, मतलब आई हैव नेवर सीन के ट्रिचिनेला या स्ट्रोंगिलॉइडस में से कभी एससीक्यू आया हो. ठीक है, ये इनके मेन से पॉइंट्स होते हैं. ट्रिचिनेला तो वैसे भी यूजली बाय द इन्फेक्टेड मीट ऑफ द पिग्स, तो हमारे यहाँ चूंकि पिग का गोश्त नहीं खाया जाता, और ये जो स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं ये उनके अंदर इनकी लियंस बनती हैं. ये छोटे छोटे इनके जो एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, ओनली दे आर इम्पॉर्टेंट. अच्छा, अब इसमें जो है वो हमारे जो एस्कैरिस द ट्रिचुरस ट्रिचुरा, द एंट्रोबियस वर्मिकुलरस, ये सारे के सारे हमारे जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं, ये दे आर ह्यूमंस आर इन्फेक्टेड बाय देयर एग्स. ठीक है, एस्कैरिस ट्रिचुरस ट्रिचुरा एंट्रोबियस वर्मिकुलरस, ह्यूमंस आर इन्फेक्टेड बाय देयर एग्स. वाइल द वेरी इंपॉर्टेंट वन hookworms, the humans are infected by the larva. ठीक है, rabidity form larva, filary form larva, ये हमने hookworm और ascaris वाली वीडियो में भी बताया. ठीक है, the humans will be infected by the feet. Feet जो है ये पाँव से enter होता है, जो है filary form larva. ठीक है, दो form में होते हैं, rabidity form larva, लिख लेते हैं हम यहाँ पे. There are two forms of the larva, rabidity form larva and फाइलेरी फॉर्म लार्वा. और ये बहुत कॉमन है कि जो फाइलेरी फॉर्म लार्वा है ये एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा आता है. इट इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म, द इन्फेक्टिव फॉर्म इज़ द फाइलेरी फॉर्म. ठीक है, और ये जो स्ट्रोंगिलाइडस है ये भी आपका लार्वा से जो है ये ह्यूमंस इन्फेक्ट होते हैं. ठीक है, और एस्कैरिस ट्रिचुरस ट्रिचुरा और एंट्रोबियस वर्मिकुलरस, देयर इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय देयर स्पेसिफिक एग्स. अच्छा, नाउ वी कम टूवर्ड्स द टिश्यू नीमाटोड्स. टिश्यू नीमाटोड्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर स्टूडेंट्स इनको भूल जाते हैं, ये लोगों को याद होते हैं, ये भूल जाते हैं लोग. ठीक है, तो इनमें से एक सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वुकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, और वट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस इट, वुकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, स्पेलिंग सही होना चाहिए. मतलब कुछ लोग इसको वुकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी भी कहते हैं, मैं इसको आमतौर पर वुकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी कहती हूँ. ठीक है, इट कॉजेज अ वेरी स्ट्राइकिंग डिजीज दैट इज कॉल्ड एलीफेंटियासिस. ठीक है, बिल्कुल जो लोअर लिम्स होते हैं इसमें वो किसी एलिफेंट की लेग की तरह हो जाते हैं. ठीक है, फाइलेरियल डिजीज होती है, माइक्रो फाइलेरिया होते हैं इसमें, जो पैरासिटिक फॉर्म होती है दैट इज द माइक्रो फाइलेरिया. ठीक है, तो इट्स द वुकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी. देन वी हैव एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रेकनकुलस
medinensis. Draconculus medinensis, which is also called the Guinea fireworm, क्योंकि ये जहाँ पे इसकी लीजन होती है टांग में, ये यूं करके अगर हम लोअर लिम्ब ड्रॉ करें ना, अगर ये मेरी बहुत बुरी ड्राइंग है जैसी भी है, ठीक है, तो लोअर लिम्ब में आपके यहाँ पे पहले एक ब्लिस्टर सा बनेगा इनफ्लेम्ड, एंड देन अ वर्म विल कम आउट फ्रॉम इट लाइक दिस. ये देखने में बड़ी अजीब सी होती है, ये नेशनल ज्योग्राफिक पर कभी आप देखें तो वहाँ पर वो दिखा रहे होते हैं, ठीक है. तो ये ऑब्वियसली पेशेंट को वहाँ बहुत सीवियरली इन्फ्लेमेशन विल बी देयर, और पेशेंट को ऐसे लगेगी जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको जो है वो इरिटेशन होगी. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द गिनी फायर वर्म. सो द टिश्यू नेमाटोड्स आर द बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस एंड लोवा लोवा. लोवा लोवा का भी MCQ ही होता है, ये SEQ में भी आ जाते हैं. लोवा लोवा का हमेशा MCQ होता है. द लार्वा इज यूजली देयर, यू कैन सी द लार्वा इन द रेटिना ऑफ द आई, ठीक है. एक तो ये डियर फ्लाई या मैंगो फ्लाई भी कहते हैं, ये इनका वेक्टर है, डियर फ्लाई और मैंगो फ्लाई, एंड यू कैन सी द लार्वा स्विमिंग इन द रेटिना ऑफ द आई, ठीक है. ये जो पेशेंट होगा उसके रेटिना में आपको इसका लार्वा जो है वो यूँ तैरता हुआ नजर आएगा, जो बड़ा फिर देखने में बड़ी एक अनप्लेजेंट सी साइट है, ठीक है. इसी तरह स्कैरीज इज आल्सो कॉल्ड बिग राउंड वर्म. ट्रिचुरा को विप वर्म भी कहते हैं, ये बिल्कुल कोड़े की तरह का होता है. और एंट्रोबियस वर्मिकुलरस दे आर आल्सो कॉल्ड द पिन वर्म्स, ठीक है. दिस इज अ वेरी ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेमाटोड्स. सो नाउ अलॉन्ग विद दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द नेमाटोड, वी कैन ऑल्सो कवर इन दिस वीडियो द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिचुरस ट्रिचुरा, क्योंकि वो छोटा सा होता है लाइफ साइकिल ट्रिचुरस ट्रिचुरा का. सो वी कैन वेरी इजिली कवर दैट इन दिट, ठीक है जी. तो ट्रिचुरस ट्रिचुरा इस अदर नेम इज विप वर्म, ठीक है. इट्स अदर नेम इज विप वर्म, ठीक हो गया. नाउ ये होगा कैसे, ह्यूमंस दे गेट इन्फेक्टेड बाय द एग्स, एंड ह्यूमंस विल गेट इन्फेक्टेड बाय ईटिंग द एग्स आर ड्रिंकिंग इट इन द कंटेमिनेटेड, ठीक है. ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, अभी तक हमने किया था तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका में भी यही रूट था, हमारे एस्कैरिस में भी यही रूट है, और मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियोस में भी कि दिस रूट इज कॉल्ड फीकल ओरल रूट, ठीक है. दिस रूट इज कॉल्ड द फीकल ओरल रूट. सो ह्यूमंस गेट इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग द एग्स इधर इन द कंटेमिनेटेड फूड आर इन द कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है. नाउ व्हेन द एग्स विल गो देयर, ऑब्वियसली फर्स्ट in the small intestine, there they first changed into immature form of the larvae, then it then changed into a mature worm, then the mature worm will move on to the colon, and obviously it will release many eggs which will then come out into the environment through the feces. ठीक है, ये इसका बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा लाइफ साइकिल है ट्रिचुरस ट्रिचुरा का. अच्छा, अब ट्रिचुरस ट्रिचुरा का वो कौन सा पॉइंट है जो आपने हमेशा याद रखना है, जो कि एक हमारा डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है इन द सिनेरियो, इधर द सिनेरियो विल बी ऑफ SEQ और ऑफ द MCQ. दैट क्लिनिकल कंडीशन इज रेक्टल प्रोलैप्स इन चिल्ड्रन, ठीक है जी. रेक्टल प्रोलैप्स इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस दीज वर्म्स ऑफ द ट्रिचुरस ट्रिचुरा दे कैन डेवलप दी दिस क्लिनिकल कंडीशन कॉल्ड द रेक्टल प्रोलैप्स इन चिल्ड्रन. और इसके ये एग्स किस तरह के हैं, ये बहुत ज़्यादा ये इसका MCQ आता है हमेशा प्रॉफ में. दीज आर कॉल्ड द बैरल शेप्ड एग, दीज आर द बैरल शेप्ड एग्स विद टू म्यूकस प्लग्स at each corner. So these are the
दिस इज अ स्पेसिफिक शेप, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि डायग्नोसिस कैसे होगा, स्टूल एग्जामिनेशन से। ये आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने कि स्टूल एग्जामिनेशन की आप हेडिंग देंगे और आप लिखेंगे एग्जाम में कि द करेक्टरिस्टिक्स एग्स विल बी देयर सीन इन द स्टूल स्पेसिमन बाय द सिंपल लाइट माइक्रोस्कोपी, और वहाँ पे आपको ये एग ड्रॉ करना पड़ेगा। इट्स अ बैरल शेप्ड एग विद म्यूकस प्लग्स एट बोथ द एंड्स, ठीक है। एंड द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल presentation of this treacherous treachera, that is an intestinal nematode, will be there in the children. They may suffer from the rectal prolapse, and it's also called whipworm. Contaminated food, contaminated water, the eggs will be ingested by the humans. The eggs will change into the mature form, it will change into the larval form, mature worm will release in the colon a number of eggs, and those eggs will then be released outside into the environment.